1932 में अल्लामा इकबाल की एक किताब शाया हुई जिसका नाम उन्होंने अपने फर्जंद जावेद इकबाल के नाम पर जावेद नामा रखा। डॉक्टर जावेद इकबाल ने जावेद नामा को पेंट करने के लिए जिमी को मदु किया। ये अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी कि कोई आर्टिस्ट उनकी हयात में जावेद नामा को कैनवस पर उतारे और उस ख्याल को तस्वीर का रूप दे। अपने ख़त में अल्लामा इकबाल ये तहरीर कर गए। जिमी बहुत खुश हुए कि उनको ये एहसास मिला है। जिमी एक दोस्त बहुत ज़्यादा अब भी है, फिर साल भर वो यहाँ रहते रहे और जिस वक्त उसे दिल चाहता था उस वक्त उठ के काम शुरू कर देते थे। कभी रात के 3 बजे नींद नहीं आ रही तो नीचे उतर आए, ऊपर ही साथ के मेहमान खाने में रहते थे, जिस वक्त दिल चाहा उतर के मुकम्मल कर लिया, आधा छोड़ दिया कर दिया। फिर मेरा उनके साथ हमेशा मुकालमा होता था क्योंकि फारसी तो जानते नहीं थे वो, तो मैं बताता था कि इस नज़म में सीन क्या है। पहले तो उनका स्केच बनता था, फिर स्केच बना के मुझे दिखाते थे, हम उस पर डिस्कस करके फिर वो आखिरी शक्ल में यहाँ पेंटिंग की शक्ल में। जावेद नामा एक तवील फारसी नज़म है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में आसमान की सैर के हालात बयान किए हैं। नज़म के आगाज़ में अल्लामा ख़ुद को एक पहाड़ के पास मौलाना रूमी की नज़म गाते हुए पेश करते हैं। इतने में मौलाना रूमी पहाड़ के पीछे से निकलकर सामने आते हैं और फिर उन्हें अपने साथ मुख्तलिफ सयारों की सैर पर ले जाते हैं। इन सयारों में दुनिया भर के मशहूर लोगों से उनकी मुलाकात होती है, जिनके साथ गुफ्तगू में बहुत से राज फाश होते हैं। इस नज़म में इंसान की सोच को मुख्तलिफ मदारिज तय करते दिखाया गया है। दरियाए रावी से शुरू होने वाली इस कहानी में जरतशी, हिंदू मत, इस्लाम और मुख्तलिफ मजाहिब की सैर करने के बाद इंसान को जन्नत तक पहुँचते दिखाया गया है। यूं पूरी कायनात और इसमें पाए जाने वाले फलसफे को समो दिया गया है।
पेंटिंग के दौरान उनको एक और ख़त दिखाया गया जिसमें शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने तहरीर किया कि जो आर्टिस्ट जावेद नामा पेंट करेगा पूरी दुनिया में शोहरत याफ्ता होगा और सिर्फ ऐसा आर्टिस्ट ही जावेद नामा पेंट कर सकता है जो इल्मे इलाही रखता हो। जिमी इंजीनियर के रूहानी तजर्बात उन्हें अपनी मंजिल की जानिब ले जा रहे थे। उन्होंने 1981 में जावेद नामा पेंट करना शुरू किया और गालिबन एक साल यानी 1982 में इसे मुकम्मल शक्ल तरतीब दे दी। इकबाल एकेडमी ने इनकी तस्वीर को किताब की शक्ल दी और बहुत से बैनुल अक्वामी मीडिया चैनल्स ने इस पर दस्तावेजी फिल्में बनाई। अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश जिमी इंजीनियर ने उनकी वफात के बाद पूरी कर दी और अल्लामा इकबाल की तहरीर जिमी इंजीनियर के शोहरत याफ्ता होने पर तकमील पा गई। यूँ पूरी दुनिया में उनके फ़न को पज़ीराई हासिल हुई।